तो गाइस ये कल दिन को तूफान आया था, तो ये आम गिरा है, तो इस आम को मैं अभी छील के काट लूँगी और मैं इसको अभी सुखाने के लिए दूँगी। इसका मैं बनाऊँगी आमची। ये बहुत टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो आप, तो इसको मैं अभी धूप में डालूँगी। तो यहाँ पे मैं आम में डाल रही हूँ अभी नमक, ओनली नमक ही डालना है मुझे और कुछ नहीं। इसको अच्छे से मिक्स करके, आम और नमक को मिक्स करके अभी मैं डाल दूँगी धूप में। तो ये मेरा रेडी हो चुका है, तो अभी मैं जाऊँगी धूप में डालने। तो मैं अभी आ गई हूँ आम को सुखाने। एक प्लेट ले लिया है, तो उसमें मैंने अभी अच्छे से फैला के रखा है, और ये बहुत टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो। तो ये ना, इस आम को रोज़ थोड़ा थोड़ा करके धूप में देना है, जब तक इसमें ब्लैक टाइप का कुछ कलर ना आ जाए तब तक। मैं ना यहाँ से तोड़ने वाली हूँ। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के बजे है ना, और अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और आज मंडे है, तो आज मैं पकाऊंगी तो साग का सब्जी। क्या पकाऊँ सोच रही हूँ, यहाँ से लूँ ये वो इनसे वो নিচে দে কাটো নিচে দে একটা দুটো কাটো এই যে একটা নিচে বাইরে যাচ্ছে ওই জিনিসে কিড়া বন্দর তো সারে খা যা রে अरे वो तो आठ डाल नहीं उन्नू का सत्ता तो लो एजेक्टा भाज बोलिए लो दौड़ा ना एडे 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 ना ওটা উপরে যাচ্ছে যাই করে সেই করে কাটে না না এই যেটা না তো अभी हस्बैंड तोड़ रहे हैं, मिला तो नहीं एक भी। पीछे देखती हूँ अगर मिल जाए। अच्छे भी नहीं है। ओए कोड़े की है? कोई दे? अब इतने से ही हमें काम चलाना पड़ेगा। काटी चाहिए। तो मैं ये लौकी का जो साग है इसको काट ले रही हूँ, और यहाँ पे साक्षी बहुत एंजॉय कर रही है मेरे साथ। তন্ময় হ্যাঁ ও তন্ময়
ये लौकी का जो साग है ना, इसको छीलना पड़ता है और इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो इसको मैं अच्छे से छील के काट लूँगी। इसमें ना अजीब सा रेशे टाइप का रहता है, तो उसको हटाना पड़ता है। और ये घर में एक बार आप ट्राई करना, इसको पका के एक बार ट्राई करना। और यहाँ पे मैंने दे दिया है दूध गर्म करने के लिए। और अभी मैं थोड़ा जाऊँगी बाहर बाहर कैसा मौसम है देखने के लिए। तो मैं अभी आई हूँ ऊपर कपड़े सुखाने, और हस्बैंड अभी कर गए ये खेल में, तो उसको परफेक्ट फिनिशिंग टच देने के लिए बांस को यहीं पे लगा रहे हैं। और बाहर बहुत लोग हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। एकदम एकदम परफेक्ट लगे। এইটা নি চুই বাসটা নিতে ওই বাসটা কতম কথা বলা হয় সে কথা কি চেন করে নিও। अब परफेक्ट हो जाएगा ना। तो छत पे बहुत धूप है, तो मैं अभी नीचे जा रही हूँ। नीचे जाके खाना पकाना है मुझे अभी। सो गाइस, आज है वेजिटेरियन। किसी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि कुछ वेजिटेरियन शेयर करो, तो आज मैं वेजिटेरियन शेयर करूँगी। एकदम सिंपल सा है साग, तो लौकी लौकी का साग और आम की चटनी। चलते हैं खाना पकाने। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है और कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखा है। तो यहाँ पे मैंने साग को धो भी लिया है और एक आलू भी काट के दिया है। और यहाँ पे मैंने लहसुन को भी काट लिया है। और ये रहा मेरा मसाले का पिटारा। और गरम तेल में अभी मैंने डाला है जीरा, और जब ये जीरा चटक जाए तो इसमें डालूंगी मैं लहसुन। तो इसको भी थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लूंगी। और उसके बाद इसमें डालूंगी मैं साग। और मैंने इसमें साग डाल दिया है और थोड़ा सा फ्राई भी कर लूँगी, जिससे कि तेल हर कहीं लग जाए। उसके बाद इसमें डालूँगी मैं नमक और हल्दी। बहुत इजी है, बहुत सिंपल में भी बन जाता है और बहुत टेस्टी होता है। बहुत एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना, हो सके तो और भी जितना लहसुन दोगे उतना ही अच्छा लगेगा इसमें। तो इसमें मैंने अभी डाला है पानी, और पानी डालने के बाद मैं थोड़ा मिक्स कर लूँगी इसको। काफ़ी जल्दी बन जाता है और काफ़ी टेस्टी भी होता है।
इसमें मेरा उबाल आ चुका है और अब मैं इसको ढक दूंगी और फ्लेम को थोड़ा मीडियम में रख दूंगी, गैस का फ्लेम। और ये मैंने आम काट के रखा है, इसको बनाऊंगी मैं आम का चटनी। तो इसमें डालना है मैंने राई, ब्लैक वाला राई है ये, और ये ब्लैक वाला ही राई इसमें जाता है। गरम तेल में राई को थोड़ा चटकने के लिए रखा है। और अभी डाल दूंगी मैं इसमें आम, और इसमें डालूंगी मैं अभी नमक, हल्दी बहुत कम डालूंगी, हल्दी ना डालो तब भी चल जाएगा क्योंकि इसमें पहले से इस कढ़ाई में हल्दी लगा हुआ है। और इसमें डालूंगी मैं अभी चीनी 2 चम्मच, जिसका जो खट्टा बने वो बैलेंस में रहे। और इसमें डालूंगी मैं पानी, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, इसको मैं चटनी टाइप बनाऊंगी। हाँ, मुझे ना इसमें थोड़ा हल्दी कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा दूंगी हल्दी कलर लाने के लिए, थोड़ा सा। तो मेरा ये साग रेडी हो चुका है। ये साग काफ़ी यम्मी बना है, कभी ट्राई ज़रूर करना। अभी तो मेरे पास कौन आया, अभी मेरे पास कौन आया? अजय, तेरे को कौन आया? ये अब बैठ जाएगी यहाँ पे, इसको इसको लगी है भूख और खाना बन जाएगा तो मैं इसको खाना दे दूंगी। ए मिनी, फीमेल मेल है ये, इसका नाम मिनी नहीं, इसका नाम होना चाहिए मोंटी, नहीं इसका नाम हमने सन्नी रखा था ना तो नहीं सन्नी, सन्नी नहीं, इसका नाम मोंटी है। दुष्ट मोंटी, नमो 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 वाल्डरे। इसको ना, इसको अभी चढ़ना है मेरे बेड के ऊपर, इसको नींद आ रही है, नींद आ रहा है। फीमेल है, फीमेल मेल है, मेल है, मेल है ये। इसको चढ़ना है। तुम ज्यादा ड्रामा मत करो, ठीक है? उठे तो जाबे, ये बहुत शैतानी है। मंडी, यहाँ सो जाना, तेरे को यहाँ सोने में क्या है? यहाँ सो जा, यहाँ सो, यहाँ सो, यहाँ सो। कंशान ठंडा था ही थी, मैंने शो, मैंने शो देख लो को, इधर कोई इंचो 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 ने तो मार वो मैंने शो शो इन्हें शो में तो चोर लगा दूँगी तो टेरों बाबा टे चोर लगा दूँगी ने शो इंचो इंचो इन्हें शो 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 इन्हें शो शो शोने शो शोने शो बदतमीज। देखो इसको भी सुलाऊंगी मैं इसे पंजा मारती है मुझे, पंजा मारेगी मुझे, पंजा मारेगी। शोने शो शो शो
शैतान। अरे अरे तो गाइज ये बन चुका है, लेकिन इसमें अभी भी पानी पानी है, पानी को सुखाना है मुझे और भी। तो आप ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन मुझे और भी पानी सुखाना है। गाइज मैं अभी खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ और दिखाती हूँ क्या क्या है। ये तो चिकन है और ये है लाऊ साग, तो कभी ना आप लोग ट्राई करना ठीक है इसको। और ये है टॉक, आम टॉक। तो अभी हम खाना खाने वाले हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। और ये है भात। ये मेरा कप है, ये हस्बैंड का कप है, ये बिल्ली है, और देखो वो बिल्ली। तो गाइस ये देखिए और एक आ रही है। पता नहीं हमारे घर में बिल्ली इतने सारे भरे पड़े हैं, अच्छी नहीं लग रही ना। और एक नहीं आता बैठ के।